चलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, अभी ना सुबह का करीब 11:43 हो रहा है, 12 बजने वाला है दोपहर का। तो आशा करती हूँ बने रहिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। बन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारा सलाह को कंटिन्यू करते हैं। और अभी बाहर में पानी भर रहे थे मानसी पापा, और इस टाइम खाना हम बना रहे हैं क्योंकि आज से छठ पूजा तो गए थे मैं सुबह में, तो अभी आए हैं थोड़ा देर पहले। प्रिंस बाबू के घर पर थी, वहाँ पर थोड़ा बात वार्तालाप हो रहा था, शादी का बात भी चल रहा था, तो मैंने तो खाना पीना वहीं पर खा लिया। मैंने पापा से कितने बोले, सब लोग नहीं खाई क्योंकि इतना सुबह ये नहीं खाते, 12-1 बजे खाते हैं, तो सोची कि मैं बना देती हूँ और थोड़ा सा बना के आराम करूँगी। सो फ्रेंड, अभी तो शाम का टाइम हो रहा है और छठ पूजा बीत गया। बहुत अजीब लगता है बीतता है तो कोई त्यौहार हो गया तो, और ख़ास करके छठ पूजा। और पता ना, हम ना फर्स्ट टाइम दिन में इतना डेंजर सोए हैं, खाना वाना खाए थे दोनों लोग और खा पी के ये चले गए थे बाहर कुछ काम से। और मैं लेटे लेटे स्पॉन्सर वगैरह का बात कर रही थी, वैसे ही हाथ में फ़ोन लिए सो गई हूँ और जस्ट इस टाइम आधा घंटा पहले उठी हूँ। मतलब ऐसे सोई थी कि मानसी के पापा आके और सो गए थे, मुझे पता भी नहीं चला था। और बताइए, सारा मतलब पाइल वगैरह खोल के मैं वैसे टेबल पर रख के और सो गई थी। वाए, दरवाज़ा खोल खोल के वो भी सो गए थे और हमको पता भी नहीं चला। तभी चिवड़ा खा रहे, बहुत सुंदर लगता हमको चिवड़ा। तो अभी तो मानसिक पापा का आज दावत है, अभी से तो लगन स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग का भी शादी का कल वो होगा, दिन रखा जाएगा, तो हम लोग का अब डेट फिक्स हो जाएगा कि इस डेट का करना है। और छठ पूजा बाद से ना एकदम लगन स्टार्ट ही हो जाता है, तो आज तो इनका दावत है। और खाना भी मैं थोड़ा लेट से ही बनाई थी सुबह, तो है उसी में से सब्जी चावल है, तो हम मानसिक खा लेंगे उसी में से और ये जाएंगे। और पता ना, नींद मतलब सो के उठने पर ना मेरा बॉडी पता ना क्यों वैसा हो जाता है, एकदम बेजान सा हो जाता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। और अभी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेडीज प्रॉब्लम है, तो इसलिए और पता ना इसी वजह से हमको नींद आ गया। होता है ना, कमजोरी की वजह से एकदम नींद आ जाता है। तो हम तो सुन के खुश हो गए थे। मानसिक पापा से मैं पूछी क्या बनाना, तो बोल रहे कि रहने दो, आज तुमसे जाना है दावत में। बोले ठीक ही है, तो हम मानसे दिन का खा लेंगे। तो बने रहिए आप सब, अभी एक पार्सल आने वाला है। पर ना मैं ये नंबर डाली थी, बट लेकिन ना कोई भी पार्सल आता है तो मानसे के पापा के पास फोन आता है, इस पर नहीं आता है। और मैं घर में रहती हूँ और बाहर नहीं आके फिर हरन लोग बजाते हैं कि आ जाओ। तो अभी आएगा, देखते क्या है, पर्स होगा नहीं तो साड़ी होगा, दोनों में एक कोई होगा। मैंने पर्स भी मंगाया है। अभी ना 5 बज रहे हैं और आप सब देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो गया। 5 बजे चांद भी निकल आए हैं, 5 बजे। और छठ मैया था ना, सुबह में इतना गर्मी हो रहा था, थोड़ा सा मैं 4 बजे उठी थी तो ठंड लगा, उसके बाद से जब रेडी होने लगी तो गर्मी होने लगा। और दिन भर आज हम लोग कूलर ही चला के सोए, पता नहीं इतना क्यों गर्मी हो रहा है, बदल रहा है दुनिया। इतना गर्मी छठ पूजा में नहीं होता है, छठ पूजा के दिन ना एकदम कोहरा रहता है, उसी में सब लोग कप कपाते टॉर्च लेके जाते हैं, लेकिन टॉर्च तो लेके गए लेकिन कप कपाते कोई नहीं गया ना, मस्त गए सभी लोग। धूप भी आ गया जल्दी, चार सूरज भगवान भी आ गए थे। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का 7 बज रहा है, और चलिए प्यारा सा गुड मॉर्निंग के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह से। और क्या हुआ था ना, मेरा थोड़ा बुखार है, अभी कांप रही हूँ मैं और तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए लेट तक सोए रह गए थे मैं। और अभी मानसिक पापा सोए हैं, अंदर का तो 7 बज रहा है, अभी 6 बजे करीब मैंने उठी थी, अंदर का काम मैंने कर लिया है सारा, बस बाहर में झाड़ू लगाना है, तो थोड़ा सा सोची कि आराम कर लेती, थक गई थी, तो अंदर का तो पोछा ओछा हो गया है, बाहर में बस झाड़ू करना है और लिपाई भी करना है क्योंकि आज शादी का दिन फिक्स होगा। तो देखती हूँ लिपूंगी या फिर नहीं भी लिपूंगी, क्योंकि छठ पूजा था ना तो परसों ही लिपी थी मैंने पूरा, तो अभी येलो येलो पूरा दिख ही रहा। अच्छा, कोई ज़्यादा लोग है नहीं कि खराब होगा, तो चलिए फटाफट काम में लगते हैं, बाहर का झाड़ू कर लेते हैं।
सो फ्रेंड, अभी ना सुबह का 9 बज रहा है और मैंने खाना बना लिया है और अभी नहीं नहाया है क्योंकि बहुत तेज बुखार है और पूरा सिर एकदम दर्द कर रहा है और पानी एकदम जहर जैसा लग रहा है, अजीब सा। तो दाल चावल मैंने भुजिया बना दिया है। मानसी अभी खाना खा रही है, दिखा रहे हैं अभी आप सभी को। ये लल्ला खाना खा रही है ना, और वहाँ बन गया। क्या हुआ, कर रही हो बेटा? खाना खाने जा रही हूँ। तो अभी मानसी बेटा दिखाएगी क्या खा रही है। दिखा दो क्या खा रही हो, दोस्तों को भी बुला दो खाने के लिए जल्दी जल्दी। क्यों क्यों नहीं बुलाओगी अपने दोस्तों को? मानसी बोल रही है ना। तो अभी मानसी बेटा दाल चावल खा रही है। दाल चावल में थोड़ा सा इनका घुटना पड़ गया था, है ना। तो अभी पोंछ करके धो करके आ रही है अभी अभी। तो चलिए जल्दी जल्दी से मानसी के दाल चावल खा रहे खत्म करिए। तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बाय बाय सब फ्रेंड। अभी ना मानसी पापा जा रहे हैं सामान लेने के लिए, और देखा था नहीं देख रहे हैं कि क्या क्या सामान आता है। अभी लिस्ट बनाएंगे और दाल चावल बना दिए, बट कोई खाने वाला नहीं। मैं खाई थी ना, और थोड़ा सा आधा खाई आधा रखी है यहाँ टेबल पर, देख सकते हैं आप लोग। और मेरा तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग हालत खराब है। तो खाना निकाल के दोगी आप? हाँ। मुझे? हाँ। मेरी बेटी? कुकर खोलना तो आता नहीं है, कढ़ाई भी वो ढक्कन नहीं खोल पाती कढ़ाई का भी, बस चावल निकाल लेगी। इसको मैं निकाल लूंगी अंदर से। दीदी अभी आएंगी यहीं पर। दीदी कर क्या करने जाओगी? कुछ नहीं, खेलने जाऊंगी। अभी आएंगी दीदी? आज मानसी का स्कूल छुट्टी था, गाड़ी नहीं आया। थोड़ा वहाँ आएगा। ठीक है। और देखिए मानसी पापा कैसे तकिया लगाते, इतना बड़ा मैंने तकिया बनवाया था 600 रुपये में। ये जो अभी लेटी हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, फिर भी उनको फोल्ड करके ही लगाना है। बोलो बेटा। मुझे दीदी घर जाना है। मैं अभी फोन करती हूँ उनको। मम्मी मैं सुन रहे हैं? मैं अभी दीदी के साथ आ जाऊंगी। मानसी के पापा, जाओ पापा को बुला के लाओ तो जरा। मम्मी मैं दीदी के साथ जरूर आ जाऊंगी। हाँ आप मुझे भेजोगे ना? जाओ पापा को बुला के लाओ पहले, ऐसे ही भेजोगे? हाँ हाँ, ऐसे ही आके मुझे एकदम मीठी मीठी बात करती है जाने के लिए। गोभी 2 kg, गोभी 1 kg, टमाटर, धनिया पत्ता, ओनियन है, फिर भी ओनियन 1 kg ले लीजिएगा। टमाटर धनिया पत्ता काल लिया तो खत्म। देख रहे हैं ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा टमाटर लाए थे अभी, मैंने याद दिला। और दाल भी चाहिए तो इनको टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च डाल के एकदम मस्त वाला चाहिए। टमाटर 500 ग्राम, धनिया ज्यादा नहीं जी, ज्यादा नहीं फारेंगे आपके बुक्स। हाँ। धनिया बुक पत्ता 20 रुपए, 50 ग्राम। मैं से टेंशन नहीं, उसके बुक में से ज्यादा फारा जाएगा। और अदरक 12, अदरक है। प्याज 1 kg है, प्याज भी 1 kg। और माचिस का 1 वो ले लीजिएगा, पूजा का सामान। और ना दोस्तों, और लिस्ट अब हमको पढ़ के बताइए। आलू, गोभी, टमाटर, धनिया पत्ता, प्याज, जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, तेजपात, चावल और कुछ लगेगा। पत्तल, लाल मिर्च और ये थी चाहिए। पत्तल गिलास मत लीजिए, रहने दीजिए। क्या कोई गरीब का तो लोग खाएंगे। पंडित जी के लिए दही चाहिए, लाल मिर्च और दुकान छिपालू है गौरी, और कश्मीरी लाल मिर्च। बोलो ठीक है। पंडित जी क्या क्या खाएंगे? पूरी, सब्जी, दही चूड़ा भी खाएंगे। पत्तल गिलास दीजिए ना, थोड़ा सा लीजिए, पैसे वेस्ट करो। बोलो मुझको ना दुकान जाना है। ये मुझको क्या होता है? मुझे होता है दही चिवड़ा। चिवड़ा तो नाव का होई घर है नूरी। मैं तो कहीं, मैं मुझे जाना है दुकान। चिवड़ा बाहर, दही होगा, चीनी होगा। हे मम्मा मुझको जाना है दुकान।
चीनी और चुप रहो भाई साहब, ऐसे क्यों डिस्पोजल। सो फ्रेंड देखिए अभी मानसी के पापा का राइटिन तो हिंदी है, इंग्लिश में लिख दूंगा तो दांत लग जाएगा आपका। और बोलो क्या चाहिए? और बस और अब्बा जानता कितना समय हो रहा है गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 हो रहा है 20 उसको। और अभी ना ये वो कॉपी चाहिए नया, 10 रुपया में मिलेगा कॉपी। कॉपी एक चाहिए हल्दी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मैं आंगन करती हूँ और इधर पूरा गंदगी नहीं हूँ। देखिए और चप्पल को देखिए कितनी अच्छी सजावट कर रही हूँ और घर में का भी सजावट करूंगी। पापा क्या करे, ऐसा लग रहा है कि वो मम्मी कपड़ा व्हाइट वाला करके अपने बालों में, उसके बाद से लग रहा है कि मम्मी का व्हाइट बाल है। घर पर सजावट करोगी? हाँ। आज क्या है? आज नहीं बताऊंगी। ठीक है मत बता।